हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करवा कि इंपोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन जहाँकि आप समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। आमर एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका वर्तमान नोटिफिकेशन आसी जाइछि, 10 सेप्टेम्बर अप्लाई आरंभ हबो, सेथिपाय इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित आरएचटी एलटीआर मध्ये अपन अक्टोबर आमर नवंबर रे आसीबार रहिछि, तो नवंबर नै तो डिसेंबर सुधा निहते आसीबो, सेथिपाय मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित अपन आरआई एआरआई अमीन 20 सेप्टेम्बर एग्जाम स्टार्ट होती, से इम्पोर्टेंट रहिबो। तो एथरे हम डिस्कशन करिबा लाटेस्ट करंट अफेयर्स अगस्त मासर, अगस्त 2024 रो लाटेस्ट करंट अफेयर्स सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन रही। तो आप चाहिए आउट ऑफ 40 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे मते निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ रो नुआ डायरेक्टर जनरल किए निजुक्ति हेले, तो नुआ डायरेक्टर जनरल वर्तमान निजुक्ति हेचंत किए ना, से होचंती दलजीत चौधरी। दलजीत चौधरी, तो देखो दलजीत चौधरी वर्तमान नुआ बनिछंती डायरेक्टर जनरल। एग्जाम एमती पचारे हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चीफ जहाँ डायरेक्टर जनरल मध्ये सेया, तो आपको चीफ दे थो नचे आपको डायरेक्टर जनरल दे थो, तो वर्तमान नुआ हेले दलजीत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, इन व्हिच स्पोर्ट्स डिड अवनी लेखरा विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो वर्तमान पेरिस रे आमर ओलंपिक चलता, सेटा कंप्लीट हो जाए, वर्तमान पारा ओलंपिक्स चलती। जो मैंने डिसेबल्ड प्लेयर मैंने, जो मैंने भिन्नक्षम अच्छा दिव्यांग मैंने, से मैंने वर्तमान ओलंपिक्स रे भाग नहीं, कह जाए पारा ओलंपिक्स। तो से पारा ओलंपिक्स पेरिस रे चली, से आम इंडिया तरफ अवनी लेखरा गोल्ड मेडल जीति। आउ ये हूँ द्वितीय गोल्ड, कहीं से 2020 टोकियो ओलंपिक्स जापान रे लगे, जो आमर टोकियो ओलंपिक्स रे से ऑलरेडी कौन कर टोकियो ओलंपिक्स से ऑलरेडी आमर कौन जीति ना गोल्ड जीति सारी। तो से 2020 टोकियो ओलंपिक्स जापान जीति गोल्ड, आउ वर्तमान पेरिस ओलंपिक्स गोल्ड जीति। तो एग्जाम एमती भी क्वेश्चन आसी पारे, हु हैज बीन द फास्ट इंडियन इंडियन आथलेटिक्स हु ओन टू गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। पारा ओलंपिक्स रे दुईटा गोल्ड मेडल जीति प्रथम भारतीय किए, तो फास्ट इंडियन जे कि पारा ओलंपिक्स रे दुईटा गोल्ड मेडल जीत, सी होती अवनी लेखरा। मन रखिए अवनी लेखरा जे कि प्रथम भारतीय जे कि ओलंपिक्स रे दुईटा गोल्ड मेडल जीति। आमर पेरिस पारा ओलंपिक्स रे जीति एथर, आउ 2020 टोकियो पारा ओलंपिक्स रे मध्ये जीति से गोल्ड मेडल। आउ एग्जाम पचारिबो से को फील्ड को स्पोर्ट्स रे जीति, स्पोर्ट्स होची शूटिंग। से 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी जीति, कैटेगरी मत पचारूँ। तो आमर कौन ना 10 मीटर एयर राइफल रे से शूटिंग रे जीति, कौथे ना शूटिंग माने शूटर, से जन शूटर शूट करते एयर राइफल शूटिंग रे 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रे से जीति गोल्ड मेडल। तो शूटिंग मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट हो, कौ सहित से संपर्कित, तो शूटिंग सहित से जन शूटर अटे, तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। वर्तमान ICC इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल ICC रो नुआ चेयरमैन आमर बनी किए, तो ICC रो नुआ चेयरमैन वर्तमान किए ना आमर जय शाह, जे कि अमित शाह आमर जो होम मिनिस्टर अच्छा अमित शाह पुह होती जय शाह। तो जय शाह रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन बनी, ICC रो नुआ चेयरमैन हेले जय शाह। क्या रिप्लेस कले एग्जाम पचार, तो रिप्लेस कर ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कले, पूर्व ग्रेग बार्कले थिले, बार्कले से दुई थर दुईटा टर्न थिले, वर्तमान तृतीय टर्न पर से निजे ही स्टेप डाउन कर पोस्टर। तो वर्तमान जय शाह वर्तमान ICC रो नुआ चेयरमैन बनिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी फोर्स NSG। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स रो
नुआ डायरेक्टर जनरल किए निजुक्ति हेले एनएसजी बा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रो नुआ डायरेक्टर जनरल वर्तमान बनिछंती किए ना से होछंती बी श्रीनिवासन किए बी श्रीनिवासन या पूर्वर अमर किए थिले ना या पूर्वर थिले नलिनी प्रभात थिले नलिन प्रभात थिले से वर्तमान रिटायर नहीं छंती तांका जगह रे बी श्रीनिवासन वर्तमान एनएसजी रो नुआ डायरेक्टर जनरल बनिछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन कन्फेयर्ड विद द एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2024 तो 2024 आमर दुई थर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दि जाइए तो इम्पोर्टेन्स रोन को कौ मस दि जाए आप डेट मत स्पेसिफिक देदेब तो सीटा आम देखा पड़ो तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड आमर जानुरी मस जाता क्या बी आर कंबोज को दि जाता जड़े साइंटिस्ट एंड आग्रोनोमी क्षेत्र में से भल कम करते तो एग्रीकल्चर लाइन से दि जाता बर्तमान दि जाए आमर क्या दि जाए यह रिसेंटली अगस्ट 9 तारीख में दि जाए आप इमेज मैं देखे पड़ती तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2024 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दि जाए यह अवार्ड पुरस्कृत करा अनंत दर्शन शंकर अनंत दर्शन शंकर आपको दि जाए किए ना मद्रास हाइकोर्टर जस्टिस मद्रास हाइकोर्ट बा चेन्नई हाइकोर्टर जस्टिस सेंथिल कुमार यहाँ देखते आप देखि पड़ती ये हूँ आप देखु डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दि जाए यह रोटरी क्लब ऑफ मद्रास तरफ दि जाए तो आप मन रखिए मद्रास हाइकोर्टर जस्टिस दौंट तो इम्पोर्टेन्स रमर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड तो आपर ऑप्शन देखिए यहाँ अगस्ट मस दि जाए अनंत दर्शन शंकर आउ गोटे आपर बी आर कंबोज को दि जाए जानुरी मसे यही 2024 दुईटा दि जाए तो कन्फ्यूज हेनी से डेट मेनसन कर मंथ मे भी मेनसन करें कि यहाँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दि जाए आम एग्रीकल्चर पर दि जाए तो आप सब लगे ये वार्डटा आप देखिए टिक मारे ऑप्शन देखिए टिक मारे तो वर्तमान लेटेस्ट अपडेट अगस्ट 9 तारीखर अनंत दर्शन वर्तमान एम एस स्वामीनाथन अवार्ड पाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड तो वर्तमान आमर रेलवे बोर्ड रो नुआ चेयरमैन एंड सीईओ बनी निजुक्ति होती ना कौन से पचार तो चेयरमैन आउ सीईओ वर्तमान बनी सतीश कुमार या पूर्वर किए थे ना या पूर्वर थे जया वर्मा सिन्हा ताको रिप्लेस कर सतीश कुमार एग्जाम पचारे क्या रिप्लेस कले आम सतीश कुमार बर्तमान नुआ सीईओ हेले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन बनिले रेलवे रो तो करेक्ट आंसर हम जया वर्मा सिन्हा को रिप्लेस कर बर्तमान नुआ हेले किए सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज रिकग्नइजड एज इंडियाज फास्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट एंड रिसेंटली रिटर्नड आफ्टर ए स्पेस जर्नी तो समस्त क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकिन आम एग्जाम इंपोर्टेंट रो निहाती भाव आप ध्यान देखिए देखने तो इंडिया फास्ट सिविलियन माने भारतर प्रथम नागरिक जे कि स्पेस टूरिस्ट हिसाब से स्पेस को जाते स्पेस जर्नी में जाते आउ सेफली रिटर्न से तो तांको ना कौन से पचार ना हूँ कौन ना गोपीचांद थोटाकुरा प्रथम भारतीय नागरिक जी कि स्पेस टूरिस्ट हिसाब से स्पेस जर्नी में जाते आ रिटर्न भी होती इमेज देखिपी ये होती गोपीचांद थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द इंडियन नेशनल चेस चंपिशिप टाइटल रिसेंटली इंडियन नेशनल चेस चंपिशिप टाइटल को किए जीति तो रिसेंटली चले किए रिसेंटली विनर होती कार्तिक भेंकट रमन कार्तिक भेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द जीएसटी भवन इन व्हिच सिटी रिसेंटली आमर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बा आमर अर्थमंत्री श्रीजुक्त बा श्रीमती निर्मला सीतारमन रिसेंटली जीएसटी भवन रो उद्घाटन करा कौ सहर उद्घाटन कले तो कौ सहर उद्घाटन कले ना से वर्तमान उद्घाटन करा जाए आमर उदयपुर उदयपुर रे राजस्थान रो उदयपुर रे उद्घाटन करा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआईएसएफ सीआईएसएफ फुल फॉर्म हो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जहाँ को सर्ट फर्म सीआईएसएफ कह जाए वर्तमान सीआईएसएफ रो नुआ डायरेक्टर जनरल किए अपॉइंटमेंट पाई किए निजुक्ति होती तो सीआईएसएफ रो नुआ डीजी बनी वर्तमान किए ना से होमर आर एस भट्टी अगर फुल फ्रॉम पूरा नाँ हूँ राजविंदर सिंह भट्टी पूरा नाँ हूँ राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान आमर सीआईएसएफ रो नुआ डायरेक्टर जनरल बनी आउ गोटे इम्पोर्टेन्ट रोच जे आईटीबीपी नुआ आईटीबीपी माने इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स बॉर्डर पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रो वर्तमान नुआ डायरेक्टर जनरल बनी किए ना से होती राहुल रसगोत्रा मन रखिए ये आईटीबीपी वर्तमान डीजी बनिले आउ आर एस भट्टी आमर सीआईएसएफ डीजी बनिले आउ दलजीत चौधरी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रो डायरेक्टर जनरल बनिले तो ये तीन टा लेटेस्ट अपडेट रही राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल बनी कहे ना जून मासर करेंट अफेयर्स आउ ए दुटा रिसेंटली आमर अगस्ट 30 रो आमर करेंट अफेयर्स तो एग्जाम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेडल डिड द इंडियन टीम विन इन द एशियन सर्फिंग चंपिशिप 2024 एशियन सर्फिंग चंपिशिप चली इंडिया टीम कौ मेडल जीति सर्फिंग आप देखते समुद्र में एमती जो एथरे जो ये करते तो सर्फिंग चंपिशिप 2024 इंडियन टीम आमर जीति कौन ना सिल्वर मेडल कौन जीति सिल्वर मेडल जीति आउ जापान जीति गोल्ड मेडल जीति इंडिया जीति आमर सिल्वर मेडल एशियन सर्फिंग चंपिशिप 2024 सिल्वर मेडल ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच टीम ओन अगेंस्ट द जयपुर पैट्रियट इन अल्टीमेट टेबल टेनिस 2024 तो 2024 अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट रे जयपुर पैट्रियट को परास्त करी कौ टीम विन करी टाइटल विन करी तो किए विन करी आमर विन करी गोवा चैलेंजर्स ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हिच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर द 2030 विंटर ओलंपिक्स 2030 विंटर ओलंपिक्स को कौ देश होस्ट कर कनाडा ना स्विट्जरलैंड ना फ्रांस ना जापान तो फ्रांस आमर होस्ट कर 2030 विंटर ओलंपिक्स फ्रांस ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन नेशनल कार रेसिंग चंपियनशिप इन इंडिया से कह इंडिया रो प्रथम महिला किए जे कि विन करछि नेशनल कार रेसिंग चंपियनशिप इंडिया फर्स्ट महिला प्रथम महिला जे कि आमर नेशनल कार रेसिंग चंपियनशिप को विन करछंती से होछंती डायना पुंडोले ये पुणारु बिलोंग करछंती पुणेरु बिलोंग ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर डायना पुंडोले नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल से कौच यही वर्ष रशियन ऑयल इंपोर्ट कर सबुठारु बड़ माने सबु अधिक मात्रा रे इंपोर्ट कर देश किए रशिया ठारु ऑयल इंपोर्ट कर सब अधिका आमर देश इंडिया ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन डेजिग्नेट ऑफ नास्कॉम से कहते नास्कॉम चेयरमैन डेजिग्नेट रूपे किए निजुक्ति होती किए तमर करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर होची राजेश नाम्बियार नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कौच वर्तमान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो इंटरिम चेयरमैन किए निजुक्ति होती इंटरिम चेयरमैन आमर निजुक्ति होती किए ना से होती आमर एम सुरेश नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 आफ्टर द इवेंट वाज मूव्ड फ्रॉम बांग्लादेश
तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहिबो। देखंतु आमर 2024 आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश रे हेबार थिला। वर्तमान बांग्लादेश रे स्थिति ठीक नाही। सेठर प्रधानमंत्री शेख हसीना वर्तमान आम देश रे शरण आम देश रे से वर्तमान शरण नहीं छंती। तो सेठी बहुत सेठी दंगा चली तो सेठी आमर आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप होबार चांस ना से बांग्लादेश मूव करा घुंचा जा तो कौटी हे ना से यूएई रे हम यूनाइटेड आरब एमिरेट्स रे वर्तमान आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 को आयोजित कर। तो 2024 आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप आमर यूएई रे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हिच स्टेट हैज ओन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फर 2024। से कहते 2024 बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड को स्टेट जीति। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 महाराष्ट्र जीति। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेन्स टीम बाय क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी। तो आमर बीसीसीआई द्वारा वर्तमान इंडिया मेन्स टीम रो हेड कोच किए नियुक्ति होती। हेड कोच होती किए वर्तमान गौतम गंभीर। क्या रिप्लेस कले राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करके वर्तमान नुआ हेड कोच अच्छा गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द ताइवान आथलेटिक्स ओपन 2024। से कहते ताइवान आथलेटिक्स ओपन 2024 रे जेवलिन थ्रो रे गोल्ड मेडल किए पाई। जेवलिन थ्रो रे गोल्ड मेडल पाई किए ना से डीपी मनु इमेज देखुं ये होती डीपी मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन राइटर वाज अवार्डेड विद द एरास्मस प्राइज 2024 फॉर हाइलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। तो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस हाइलाइटिंग करथिले से क्या 2024 एरास्मस प्राइज रे पुरस्कृत करा जाय छी। को इंडियन राइटर को एरास्मस प्राइज रे पुरस्कृत करा जाय छी। तो इंडियन राइटर होचंती किए से होचंती हमरो अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन रे छी हु इज द फर्स्ट ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ सदर्न रेलवे इन इंडिया। से कोच इंडिया रो सदर्न रेलवे द्वारा प्रथम ट्रांस वुमेन को टीटी बा ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर रूपे नियुक्ति करा जाय छी ताको ना कोन फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन जहाँ को आमर सदर्न रेलवे टीटी रूपे नियुक्ति करछंती ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर रूपे से होचंती सिंधु गणपति। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज सेट टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द बीसीसीआई अवार्ड्स। तो बीसीसीआई अवार्ड्स रे कहा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रे पुरस्कृत करा जाय छी। कहा को हमर रवि शास्त्री। ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु रिसेंटली रिसीव द 2023 जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सलेंस। साइंटिफिक एक्सलेंस 2023 रो जीडी बिरला पुरस्कार रे कहा को पुरस्कृत करागला। तो 2023 जीडी बिरला पुरस्कार रे पुरस्कृत होती किए ना डॉक्टर आदिति सेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन वाज अवार्डेड ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स 3। तो ब्रिटेन रो किंग सेठी मोनार्क सिस्टम चलती ब्रिटेन यूए चलती तो सेठी किंग माने रोचंती तो से माने कौन ना प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति दियंती। तो ब्रिटेन रो किंग चार्ल्स 3 रिसेंटली को भारतीय को तंकर सम्मानित नाइटहुड अवार्ड पुरस्कृत करचंती। ऑनररी नाइटहुड अवार्ड पुरस्कृत होचंती किए से होचंती सुनील भारती मित्तल। आउ वर्तमान ब्रिटेन रो नुआ प्राइम मिनिस्टर मध्ये बनचंती नुआ पीएम होचंती केर स्टारमर वर्तमान ब्रिटेन बा इंग्लैंड रो नुआ प्राइम मिनिस्टर। ऋषि सुनक वर्तमान हटि जाइछंती वर्तमान नुआ अछंती केर स्टारमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहे हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो आमर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द्वारा आमर नुआ लोकपाल रो प्रेस नुआ लोकपाल निजुक्ति होती लोकपाल रो चेयरपर्सन नुआ निजुक्ति होती ना कौन से पचार तो आमर लोकपाल रो नुआ चेयरपर्सन होती किए से अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर जब पचारे फास्ट लोकपाल ऑफ इंडिया ताहले कौन हम ना पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष पिनाकी चंद्र घोष होती फास्ट लोकपाल इंडिया रो आ वर्तमान अच्छा अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। तो यहाँ आम 2024 दि जाइए 2023 जो मैंने भल वर्क करमर बुक्स लाइन रे लिटरेचर रे से मानको दि जाऊँ। तो 2023 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रे क्या पुरस्कृत कर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रे सम्मानित होती किए गुलजार ये होंगे गुलजार ये होंगे जगद्गुरु रामभद्राचार्य ये दुई जन को दि जाए ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो नुआ प्रेसिडेंट किए निर्वाचित होती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो नुआ प्रेसिडेंट अच्छा किए से नवाब सलाम। आउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ये क्वेश्चन बहुत बार पचार जिके सेक्शन आप मानकर तो आमर SSD रे मतलब जिके अच्छी आ करेंट अफेयर्स अच्छी सिलेबस रे आमर SSD TGT सेवक सेविकारे सहित RHT आप मानकर जनरल स्टडीज जिके आसुची 30 मार्क आसुची करेंट अफेयर्स 10 मार्क आसुची तो जिके रे पचारुची आमर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे हेडक्वार्टर कौटी अच्छी यार हेडक्वार्टर अच्छी कौटी नेदरलैंड रो द हेग HAGUE द हेग हेग्रे अच्छी ICJ रो हेडक्वार्टर मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तार प्रेसिडेंट होचंती वर्तमान नवाब सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड झारखंड रो नुआ मुख्यमंत्री किए अच्छा झारखंड रो वर्तमान नुआ मुख्यमंत्री अच्छा किए चंपाई सोरेन कहीं हेमंत सोरेन को जेल रे वर्तमान अच्छा से चंपाई सोरेन वर्तमान झारखंड रो नुआ CM। नेक्स्ट रही हु ओन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेन सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेन सिंगल टाइटल विनर किए तो 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल विनर होती जानिक सिन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द पल्ली उमरगिर अवार्ड एट BCCI अवार्ड्स 2024 फॉर द सीजन 2022-23। से कहते 2022-23 सीजन पर जी बेस्ट परफॉर्मेंस दे 2024 BCCI द्वारा पल्ली उमरगिरी अवार्ड दि जाऊँगी प्रति वर्ष आम दि जाऊँगी BCCI आम दौर पल्ली उमरगिरी अवार्ड तो 2022-23 सेसन पर दि जाए क्या करेक्ट आंसर हो आमर शुभमन गिल होती 2024 पल्ली उमरगिरी अवार्ड विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंपनी हैज सिक्योर द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग फॉर नेक्स्ट 5 years। से कहते जे आमर या भितर आमर IPL को कंपनी सहित पार्टनर स्पॉन्सरशिप करी नेक्स्ट 5 वर्ष IPL कहा सहित टाइटल स्पॉन्सरशिप करी आमर टाटा सहित टाइटल स्पॉन्सरशिप करी टाटा ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज अवार्डेड द बेस्ट फिफा मेन्स प्लेयर अवार्ड। तो बेस्ट फिफा मेन्स प्लेयर अवार्ड 2024 दि जाए क्या पचार बेस्ट फिफा मेन्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड विनर होती लियोनेल मेसी ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू व्हिच घराना। तो प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे रिसेंटली मृत्युवरण कर 2024 से क्यों घरानारू बिलोंग करछंती से किराना घरानारू बिलोंग करछंती को घराना
किराना घराना बिलंग करुछंती। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई हु हैज बिकम द फास्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 मैचेस इन T20 इंटरनेशनल। से कौच T20 इंटरनेशनल रे बा 2020 मैच रे 150 मैच खेल प्रथम क्रिकेटर किए। प्रथम क्रिकेटर वर्ल्ड रे होचंती रोहित शर्मा जेकी 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेली चंती। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस रो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर किए अच्छा फ्रांस रो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर अच्छा किए ना गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल आउ तांकर प्रेसिडेंट अच्छा इमानुएल माक्रोन। इमानुएल माक्रोन वर्तमान प्रेसिडेंट अच्छा आउ प्राइम मिनिस्टर अच्छा किए गैब्रियल अटल। मन रखे एग्जाम इंपोर्टेंट रहा कहीं पचारिदे विभिन्न कंट्रीर पीएम प्रेसिडेंट करेन्सी एसबू पचारूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक रो ईडी रूपे किए निजुक्ति होती एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अच्छा किए से होती विकास सिल। ऑप्शन और बी हो करेक्ट आंसर विकास सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जार शॉर्ट फॉर्म रही सेबी। सेबी फुल फॉर्म होती सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वर्तमान सेबी रो ईडी रूपे क्या निजुक्त करागला तीन वर्ष पाई सेबी रो ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूपे निजुक्ति होती किए से होमर किए हमर करेक्ट आंसर जी राममोहन राव। जी राममोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन हु वाज अवार्डेड द एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2024 एमएस स्वामीनाथन अवार्ड विनर किए। तो करेक्ट आंसर हो बी आर कंबोज। मन रखुद यहाँ एग्रोनॉमी क्षेत्र में एज ए साइंटिस्ट हिसाब से दि जाए एग्रोनॉमी क्षेत्र में एग्रीकल्चर क्षेत्र में भल काम जो बी आर कंबोज को दि जाए जड़े साइंटिस्ट अच्छा। तो यहाँ जनवरी मसर जनवरी 2024 करेंट अफेयर्स था आ रिसेंटली अगस्ट 9 मस अगस्ट 9 तारीख में आम जो रिसेंटली आसी एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दि जाए चेन्नई रो माड्रास हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस द्वारा से होती किए ना अनंत दर्शन शंकर। मन रखे एग्जाम इंपोर्टेंट रहा दुटा जाक इंपोर्टेंट रो। तो फ्रेंड्स ये थी आप टोटल 40 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप 40 रे केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। जदि भिडियो भल लागुछि ताले निहाती गोटाए लाइक करिबे ता सहित अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया सांगा साथी मानकु निहाती भावे शेयर करिबे। आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अछि चैनल निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा आपमाने समस्त भिडियो रे नोटिफिकेशन पाइ पारिबे। ता सहित आपमानकर SSD TGT आउ सेवक सेविका वर्तमान क्लास आम स्टार्ट आपत डेली वीडियो देखु अपडेट रुहतु जहाद्वारा आपको बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।